हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेमीनाज लिटिल वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आ गए हैं हम आज आपके लिए लेकर अपने मास्टर बेडरूम का मेकओवर, जो कि आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। अपने किड्स रूम का हमने मेकओवर काफ़ी बार आपके साथ शेयर किया है, बट आप लोग कह रहे थे कि अपने बेडरूम का भी मेकओवर शेयर करिए। तो आज हम आपके लिए अपने बेडरूम का मेकओवर लेकर आए हैं। तो पहले हम आपको अपना पूरा बेडरूम दिखा दे रहे हैं। अभी हमने पूरा खाली कर लिया है बेडरूम अपना, बिकॉज सबसे पहले हमें इसको पेंट करना है। तो खाली होने के बाद अभी हम आपको पूरा दिखा दे रहे हैं। इधर वॉर्डरोब है, ये बेड है। तो चलिए शुरू करते हैं मेकओवर, और जिसके लिए सबसे पहले हम अपने बेड को कवर कर रहे हैं, बिकॉज हमें करना है पेंट। तो जितनी भी हमारी विंडोज़ वगैरह हैं उनको हम अच्छे से क्लीन कर ले रहे हैं, जाली की विंडो वगैरह, और जो कांच के ग्लासेस वगैरह हैं उनको भी अच्छे से प्रॉपरली क्लीन कर रहे हैं। उसके बाद हम अब शुरू करेंगे अपना पेंटिंग का काम। सो यहाँ पर हमने वही क्रीम कलर ही चूज़ किया है अपने बेडरूम को कलर करने के लिए, बिकॉज जो हमारे रूम का डायमेंशन है वो 10 बाई 12 फिट का है। सो बहुत बड़ा नहीं है बेडरूम, इसलिए कोई भी डार्क कलर हम चूज़ नहीं कर रहे हैं इसको पेंट करने के लिए। तो सामने की वॉल काफ़ी गंदी थी जिसको हमने पेंट कर दिया है, और ये साइड वॉल भी हमारी पेंट हो गई है। पेंट होने के बाद रूम देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है, काफ़ी नीट एंड क्लीन हो गया है। अक्सर बच्चे जिस घर में होते हैं ना, उसमें विंडो के जो नीचे का एरिया होता है वो काफ़ी डर्टी हो जाता है। सो पेंट के बाद अब ये काफ़ी क्लीन हो गया है। सो अब हमने जितने भी हमारे मैट्रेसेस थे उनके कवर निकाल लिए हैं, उन्हें वॉश किया है और उनको अब हम कवर कर दे रहे हैं वापस से। सो अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया है इस तरह के मैट्रेसेस का कवर बनाने का, तो आप चेक कर सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। पुरानी बेडशीट्स का यूज़ करके भी आप इनके कवर बना सकते हैं और अपने गद्दों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो गद्दों पे कवर चढ़ाने में आरिशा हमारी फुली हेल्प कर रही हैं, और गद्दों पे कवर चढ़ गए हैं। अब हम इनको यहाँ साइड से पूरा स्टिच कर देंगे, बंद कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर जिप भी लगा सकते हैं। तो गद्दे के कवर हमारे सेट हो गए हैं। अब आती है वॉल लैंप की बारी। ये हमने ऑनलाइन परचेज़ किया था, आपके साथ वीडियो भी शेयर किया है। तो आज हम इसको फिक्स करवा ले रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन भैया को बुला के हमने इनको यहाँ पे वॉल में फिक्स करवाया है। एक्चुअली यहाँ पर कोई अलग से सॉकेट वगैरह नहीं दिया हुआ था वॉल लैंप्स लगाने के लिए, तो हमने इनको नॉर्मली वॉल में फ़िक्स करवाया है। और उसके बाद जो वायर केस आता है उन पट्टी की हेल्प से हमने इसको हाइट किया है, और ये जो स्विच बोर्ड दिख रहा है इसी में हमने इसको अटैच कर लिया है, और हमारे वॉल लैंप लग गए। अब यहाँ पर हमने ये ऑनलाइन वॉलपेपर मंगवाया था, जो कि हमारे जो कलर थीम है उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल अच्छे से मैच कर रहा है। इस वॉलपेपर को हम कहाँ यूज़ करेंगे, चलिए वो आपको दिखाते हैं। ये है हमारे बेडरूम की बालकनी का गेट, छोटी सी बालकनी है उसका गेट है, और इस पर इस तरीके की एक जो फिल्म थी वो लगी हुई थी। उस टाइम पे हमें नॉलेज नहीं थी कि इसको किस तरह से निकाला जाता है, और हमने खींच खाच के इसको निकाला, और देखिए हमारे डोर का हाल कैसा हो गया है। सो अगर आपको भी ऐसी नॉलेज ना हो कि इसको किस तरीके से निकालना है, तो हमारे चैनल पर इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो अपलोडेड है। किचन बालकनी मेकओवर के वीडियो में हमने आपको बताया है कि इसको किस तरीके से प्रॉपरली हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सो देखिए इस वॉलपेपर को हम इसी डोर पे स्टिक कर रहे हैं। जब भी आप कभी वॉलपेपर लगाएं ना, तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उसकी डिज़ाइनिंग को अच्छे तरीके से मैच करके आप लगाएं, जब भी ये प्रॉपरली बहुत ही फिनिशिंग से लगता है। आप देख रहे हैं साइड का एक पोर्शन रह गया था, जिसके लिए हमने एक पतली स्ट्रिप कट करके लगाई है, बट डिज़ाइन को अच्छे से मैच करा है। सो देखिए बिल्कुल परफेक्टली ये वॉलपेपर हमारे डोर पर फिक्स हो गया है। चलिए अब लगाते हैं वॉल शेल्फ, जो कि हमने ऑलरेडी अपने बेडरूम में लगा रखी थी। इनका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे आपको। सो इनका डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। तो हम इनको वॉल पे अटैच कर देते हैं। वॉल शेल्फ को हमने कुछ अपने DIY से डेकोरेट कर दिया है, और अब बारी आती है इस कॉर्नर को डेकोरेट करने की। चलिए इसको भी डेकोरेट कर देते हैं कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स से और कुछ कैंडल्स से। अब जो विंडो की साइड वॉल है वहाँ पर हम ये दो पेंटिंग्स को लगा दे रहे हैं, एक इस साइड और एक दूसरी साइड में। चलिए करते हैं अब एक क्विक सा DIY, जिसके लिए हमने यहाँ पर डिस्पोजल कॉफ़ी के जो छोटे वाले कप होते हैं ना, वो लिए हैं। तो इन पर आपने देखा होगा टी या कॉफ़ी या नेस्टी वगैरह कुछ लिखा होता है, तो उनको हाइड करने के लिए हम यहाँ पर अपने ये वॉलपेपर यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो कोई स्टिकर भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो हमने यहाँ पर एक हार्ट शेप को कट करा है, और उससे हम इस वॉलपेपर पे डिज़ाइन क्रिएट कर ले रहे हैं। छोटे छोटे से हार्ट शेप हमने बना लिए हैं, और अब हम इनको कट कर लेंगे। इससे क्या होगा ना, जो ये कॉफ़ी या टी वगैरह जो लिखा रहता है इन कप्स पे, वो हाइड हो जाएगा। बिकॉज अगर वो रहने देंगे तो वो वॉल पे लगे हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप स्टिकर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से इनके नाम को हमने हाइड कर लिया है। और अब हमने ली है कील और इसके जो बॉटम पार्ट है उसमें हमने होल बनाए हैं। अब हमने ली है एक मैक्रेम और जो ये कील है इसकी हेल्प से हम इसको इंसर्ट करेंगे बैक साइड से कप के अंदर और इस तरह से हम इसको पूरा खींच लेंगे। लास्ट का जो पार्ट आएगा मैक्रेम का वहाँ पर हमें लगा देनी है एक छोटी सी नॉट और इस तरह से टाइप कर देंगे अच्छे से और ये निकल गई नॉट। अब यहाँ अंदर से हमें मेजरमेंट करना है, जैसे कि 6 इंच का हमने यहाँ पर मार्जिन दिया है और इस 6 इंच पे ही हमें दूसरी नॉट बना लेनी है, बिल्कुल 6 इंच पे ही बनानी है। मेजरमेंट का आप ध्यान रखिएगा तभी बराबर से कप आएंगे 1 बाय 1। तो अब सेकंड कप लिया है, वापस से वही प्रोसीजर है, बॉटम से इसमें मैक्रेम को इंसर्ट करना है और खींच लेना है। आप मैक्रेम की जगह कोई लेस ले सकते हैं या फिर जूट रोप भी ले सकते हैं। अगेन वही 6 इंच का मार्जिन लेते हुए सारे ही कप को 1 बाय 1 इसमें डाल लेना है। अब लास्ट में मैक्रेम को कट कर देना है और थोड़ा सा लूप बनाने के लिए मैक्रेम को ले लें और नॉट लगा दें ताकि ये जो लूप है ये हम लोग हैंग कर पाएँ दीवार के ऊपर। तो ये लूप हमारा रेडी हो गया है इस तरह से कुछ। अब जो बिल्कुल लास्ट वाला बॉटम वाला कप है उसको लिया है हमने और यहाँ पर हमने मैक्रेम के ही कुछ टैसल्स बना के रखे हुए थे, उनको हम यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से इसमें स्टिक कर दे रहे हैं 1 बाय 1। 2 टैसल्स हैं तो दोनों को हमने इसमें फिक्स कर दिया है और ऊपर से हमने इसको कर दिया है सिक्योर। सो ये हमारा जो DIY है ये कंप्लीट हो गया। चलिए इसको डेकोरेट करते हैं अपने बेडरूम में। कॉर्नर में हमने इसको लगा दिया है और इनके अंदर हम रख दे रहे हैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स। सो ये हमारा क्यूट सा DIY बन गया। चलिए अब शेयर करते हैं आपके साथ कर्टेन का एक हैक। तो यहाँ पे 2 हमने प्रिंटेड कर्टेन लिए हैं और उसके ऊपर हम लगा रहे हैं प्लेन कर्टेन। आपको जो ये कर्टेन रिंग्स हैं इनका ध्यान रखें, दोनों साइड्स में जो रिंग्स हैं वो बराबर रहने चाहिए। अगर 4 रिंग इधर छूट रहे हैं तो 4 रिंग ही दूसरी साइड में छूटें। बीच में हमने प्लांटर रख दिया है और उसके बाद जो कर्टेन रॉड है उसको हम 1 बाय 1 करके इस तरीके से इंसर्ट करते जा रहे हैं। यानी कि जो पीछे का कर्टेन है, प्रिंटेड कर्टेन और जो प्लेन कर्टेन है, दोनों को साइड में हमें इस तरह से रॉड में डाल लेना है। अब इसको हम हैंग करेंगे अपनी विंडो पे और दिखाते हैं ये कैसा लगता है। तो कर्टेन में जो हमने मैक्रेम का प्लांटर लगाया था उसके अंदर हम आर्टिफिशियल प्लांट रख दे रहे हैं अपने DIY प्लांटर के साथ में। नीचे से इसको आप चाहें तो नॉट लगा दें, नहीं तो आप अपनी कोई पुरानी बैंगल ले लें या फिर कोई ब्रेसलेट ले लें और इससे आप इसको टाई अप कर दें कुछ इस तरह से। अब जो ये बालकनी का गेट है इसको भी हम कर्टेन्स इसी तरीके से लगाएंगे, जैसे कि ये प्रिंटेड कर्टेन हमने दिया है और इसको हम इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं। 2 जो कर्टेन के रिंग है ना उनको हमने डबल कर दिया है, यानी जो 2 प्रिंटेड कर्टेन के रिंग है और 2 प्लेन कर्टेन के रिंग है ना उनको एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से फोल्ड किया है। तो ये क्या होगा कि कर्टेन अलग अलग होके भागेंगे नहीं, एक साथ रहेंगे। अभी आपको दिखाते हैं इनको फिक्स करके। तो चलिए जी कर्टेन्स हैंग हो गए हैं। अब लगा देते हैं वॉल क्लॉक अपने इस बेड के सामने वाली वॉल पे। अब जो ये मैक्रेम का प्लांटर है इसको हमने हैंग कर दिया है और इसमें DIY हमारा प्लांटर लगा दिया है। दोनों ही साइड्स में हम इसको हैंग कर देंगे और इसमें अपने DIY प्लांटर्स को लगा देंगे। तो ये वाली वॉल भी हमारी हो गई अच्छे से डेकोरेट। चलिए अब करते हैं एक क्विक सा DIY, जिसमें कि हमने लिया है ये लकड़ी का बोर्ड और इसमें मेज़रमेंट ले रहे हैं 3 इंच का। तो ये 3 इंच की पूरी पट्टी इस तरह से हम मार्क कर ले रहे हैं और इसे हमें कट करवानी है। मगर जो 3 इंच की पट्टी है इसमें हम 3 अलग अलग छोटी पट्टियाँ और काटेंगे, यानी कि जो एक लंबी पट्टी हमें चाहिए और 3 हमें छोटी बड़ी साइज़ की 3 पट्टियाँ चाहिए। वो भी आपको दिखाते हैं किस तरह की पट्टियाँ हम लोगों को चाहिए रहेंगी। तो चलिए चलते हैं मार्केट, पहले इसको करवा लेते हैं कट। तो क्योंकि ये काम तो घर में पॉसिबल नहीं है कि हो जाए, तो ये बाहर ही हमने कट करवाया है। तो इस तरीके से ये देखिए एक छोटी, एक उससे बड़ी और उससे बड़ी 3 पट्टियाँ हमने कट करवाई हैं और एक है हमारे पास लंबी पट्टी। अब इनको कवर करने के लिए हम वही वॉलपेपर यूज़ कर रहे हैं जो कि हमने डोर को कवर करने के लिए यूज़ किया था। तो ये जो हमारी शेल्व्स हैं इनको हम इससे अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। इनके जो साइड्स हैं इनको भी हम इसी वॉलपेपर से कवर कर लेंगे ताकि देखने में बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगे और बिल्कुल रेडीमेड जैसा लुक क्रिएट हो जाए। उसके बाद जो सबसे बड़ी पट्टी है उसको इस तरह से रखना है। नीचे की जो शेल्फ्स हैं सबसे बड़ी सबसे नीचे हमने रखी है। साइड्स के मार्जिन्स को अच्छे से चेक कर लें, दोनों साइड से बराबर रहना चाहिए। अब हम यहाँ पे छोटी वाली जो कील है उनको ले रहे हैं और इसमें इनको फिक्स कर देंगे। बहुत ही आसानी से ये फिक्स हो जाएगी इस तरह से। और 2 कीलें हम एक में लगा रहे हैं, तो इसी तरीके से हमें अपनी जो 3 शेल्फ्स हैं उनको फिक्स कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी तीनों शेल्फ्स फिक्स हो गई हैं। अब बीच में यहाँ पर हम ड्रिल कर ले रहे हैं बिकॉज इसको हमें दीवार में लगाना है। ये हमें लगानी है अपने बेड के साइड वाले पार्ट में। आप यहाँ देख रहे हैं ना, थोड़ा सा गैप आपको नज़र आ रहा है, इसमें काफ़ी चीज़ें गिरती रहती हैं और ये बिल्कुल यूज़ नहीं होता है स्पेस। सो ये शेल्फ का पर्पस ये है कि ये जो गैप है ये भी कवर हो जाए और इस जो एरिया है ना ये वाला, ये भी हमारे यूज़ में आने लग जाए। तो देखिए ये हमारी शेल्फ बन गई है DIY और फिक्स भी हो गई है। अब इसको किस पर्पस से यूज़ करेंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल हम लगा दे रहे हैं बेडशीट और पिलोज़। सर्दियाँ इतनी ज़्यादा चल रही हैं तो ब्लैंकेट तो बनता है, तो ब्लैंकेट भी लगा दिया है। अभी आपको दिखाते हैं कि इसमें हमें एक्चुअली रखना क्या है। अपने हस्बैंड की डायरी वगैरह हम यहाँ रख सकते हैं। साथ ही इस वाले एरिया को हम यूज़ करने वाले हैं हस्बैंड का लैपटॉप बैग रखने के लिए, बिकॉज वो यहीं पे बैठते हैं तो उनको अच्छा रहेगा यहाँ पे लैपटॉप बैग रखने के लिए। अभी तो उनको चाहिए तो हम उसको दे देते हैं और अपने साइड स्टूल को कर लेते हैं डेकोरेट। तो ये वाला साइड स्टूल हमारा हो गया है डेकोरेट। अब जो है दूसरी साइड का स्टूल उसको भी हम डेकोरेट कर लेते हैं कुछ अपने DIY से। ज़्यादातर चीज़ें तो आपके साथ हमने शेयर कर दी थी जो हमने ऑनलाइन मंगाई थी, कुछ चीज़ें बाद में आई हैं तो वो अभी आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं साथ के साथ। सो ये जूट बास्केट हमने मंगाई थी जो कि बहुत ही बढ़िया आई है, हमें बहुत पसंद आई है और इसको हम डेकोरेट करने वाले हैं अपने रूम में यहाँ पर अपना प्लांटर रख के। तो ये वाले कॉर्नर को हम कुछ प्लांट से डेकोरेट करेंगे बिकॉज थोड़ी सी ग्रीनरी तो बनती है ना रूम में। ये बालकनी के जस्ट सामने वाला स्पेस है जहाँ पे बालकनी का दरवाज़ा है। एक्चुअली अभी आपको दिखाते हैं कि बालकनी का गेट हम लोग अभी विंटर्स में बिल्कुल बंद रखते हैं, 90% हम लोग बंद रखते हैं। बाहर आप देखिए कितनी हवा चल रही है, अगर ये गेट खोलते हैं तो पूरा बेड पे इतनी हवा आती है कि बैठना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अभी हमने थोड़े से प्लांट्स अंदर डेकोरेट कर लिए हैं ताकि ग्रीनरी भी रहे और अच्छा सा भी लगे। अब लगा देते हैं कुछ कारपेट्स और रग्स ताकि ये जो मेकओवर है ये कंप्लीट हो जाए। बस लास्ट में थोड़ी सी और डेकोरेशन कर लेते हैं। बेड का जो अपर पार्ट है वहाँ पर हम थोड़ी सी स्ट्रिंग्स लाइट्स लगा रहे हैं थोड़ा सा कोजी लुक देने के लिए। सो गाइस, दिस टाइम टू फाइनल रिवील ऑफ माय बेडरूम। यहाँ पर अभी हमने कुछ डेकोरेशन चेंज कर दी है, बाद में जब हस्बैंड इस कॉर्नर में बैठेंगे तो उनका लैपटॉप बैग और उनकी चीज़ें तो आनी है। फिलहाल हमने कुछ डेकोरेशन इस तरह से कर दिया है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये मेकओवर आपको कैसा लगा है, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं और क्या चीज़ों में हमें चेंजेस करना चाहिए वो भी आप लोग हमें बिल्कुल बताते रहिए ताकि हम अपने मेकओवर्स में इम्प्रूवमेंट करते रहें। तो चलिए अब रूम की लाइट्स ऑफ करके एक कोजी लुक भी आपको दिखा देते हैं कि ये बेडरूम कैसा लग रहा है जब लाइट्स ऑफ हो जाए। अगर अभी भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय।